रायबरेली बारिश में गेहूं को भीगने से बचाने के लिए एफसीआई ने कसी शहर के एफसीआई गोदाम बारिश से गेहूं को बचाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। रायबरेली एफसीआई के गोदाम की क्षमता 71,000 मीट्रिक टन है। खाद्यान्न को रखने के लिए डीपी में कई गोदाम बने हैं जिनको बारिश के पहले ही पूरी तरह से कम्प्लीट करा दिया गया है ताकि मानसून बारिश में गोदामों में रखे खाद्यान्न सुरक्षित रहे। चूँकि उत्तर प्रदेश में गेहूँ की पर्याप्त खरीद न हो पाने के कारण पंजाब के तपा गोदाम से मालगाड़ी की 56 रैंक गेहूं मंगवाकर गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया गया है ताकि गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत व परेशानी ना हो। जो आपको सूचना मिली है वो गलत मिली है। बारिश जरूर हुई है लेकिन जो पंजाब से गेहूं आया हुआ है ये कुछ भी भीगा नहीं है। वो आपने डिपो में हमारे दिख भी लिया है, अभी भी काम चल रहा है। बारिश जरूर बहुत तेज हुई, काम थोड़ा स्लो जरूर हुआ लेकिन ये कोई भी अनाज भीगा नहीं है ना, वेस्ट हुआ है फिलहाल। ये कितना सर गेहूँ आया था, कहाँ से आया था? ये पंजाब से तपा है डिपो, वहाँ से जो है आया है। 58 वैगन की जो है एक रैक आई हुई है, क्योंकि यूपी में उतनी परचेज नहीं हो पाई तो पंजाब से माल आया हुआ है। क्योंकि पीडीएस में हम लोगों को देना भी होता है तो बीच बीच में रैके आया करती हैं जो है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।